पूरे देश में आज रक्षाबंधन का त्यौहार बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। सभी भाई बहन इस त्यौहार को बड़ी खुशियों से मना रहे हैं और पूरे देश में इसकी धूम देखने को मिल रही है। वहीं अगर बात करें अनुदेशकों की, तो लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर के सरकार के सामने गुहार लगाने वाले अनुदेशक शिक्षक इस रक्षाबंधन पर एक नया कार्यक्रम करते हुए नजर आए हैं। यूपी अंशकालिक अनुदेशकों ने एक नए अंदाज में इस बार रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया। रक्षा सूत्र बांधकर मांगा नियुक्तिकरण का तोहफा। नमस्कार, आप देख रहे हैं अनुदेशक न्यूज। आइए देखते हैं अनुदेशक न्यूज की खास पेशकश, ये रिपोर्ट। अगर बात करें अनुदेशकों की, तो लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर के सरकार के सामने गुहार लगाने वाले अनुदेशक शिक्षक इस रक्षाबंधन पर एक नया कार्यक्रम करते हुए नजर आए हैं। दरअसल अनुदेशक शिक्षकों में शामिल महिला शिक्षकों ने मौजूद सांसदों, विधायकों और जिम्मेदारों को राखी बांध करके उन्हें अपनी बहन का ख्याल रखने का वादा करवाया। ये कार्यक्रम लंबे समय से चल रहा है, जिसे अनुदेशकों की तरफ से रक्षा सूत्र कार्यक्रम कहा जा रहा था, और उसी कड़ी में आज ये अनुदेशक महिला शिक्षक जगह जगह पहुंचकर जिम्मेदारों को राखी बांधती हुई नजर आई। इन महिला शिक्षकों को ये उम्मीद है कि आने वाले दिनों में उनकी समस्याओं का निराकरण होगा और होने के लिए ये रास्ता बनाया जा रहा है, जिसमें वो जिम्मेदारों को राखी बांधकर खुद को उनकी बहन का दर्जा दिलवा के अपनी समस्याएं उन तक पहुंचा रही हैं और ये बता रही हैं कि अनुदेशक शिक्षक लंबे समय से जो समाज के एक वर्ग को शिक्षा दे रहा है, वो दरअसल कई सारी समस्याओं से जूझ रहा है। आपने देखा होगा कि बीते दिनों अनुदेशकों का एक बड़ा धरना राजधानी लखनऊ में भी आयोजित हुआ था, जो कि करीब 4 दिन चला था, जिसके बाद उन्हें एक लिखित आश्वासन मिला था, जिसके बाद अनुदेशकों में खुशी की लहर थी और उन्हें उम्मीद थी कि आने वाले दिनों में उनकी समस्याओं का निराकरण हो जाएगा। लेकिन समय बीत रहा है और ऐसे में रक्षाबंधन के त्यौहार पर इन महिला शिक्षकों ने जगह जगह जिम्मेदारों के पास पहुंचकर उन्हें राखी बांधी और एक बार फिर से उन वादों को याद दिला करके अपनी समस्याओं को उनके सामने रखा। मैं तो इसके पहले भी जब आप लोग आए हैं, मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को और निदेशक जी को, डीजी साहब को आपका ज्ञापन मैंने प्रस्तुत किया है और आपको कार्यवृत्त जो मिला हुआ है उस कार्यवृत्त को लेकर के मुझे दे दीजिएगा। कार्यवृत्त भी दे दिया है ना आपने उसको? जी सर। और उसको भी लेकर के, और मैं इस बार भी 20 तारीख को हम लोगों की मीटिंग होने जा रही है, सभी MLC इकट्ठे होंगे और तय करेंगे कि इनके संबंध में सब लोग मिल करके, सभी MLC मिल करके माननीय मुख्यमंत्री जी को निवेदन करेंगे कि ये जो अनुदेशक हैं, ये सब बहुत योग्यताधारी हैं। कोई BEd है, कोई BTC है, कोई पास CET पास है, कोई TET पास है, तो और ये पूरे पूर्णकालिक विषय को पढ़ाने का काम करते हैं, ये मुझे मालूम है। इसलिए शिक्षा व्यवस्था को बहुत संभाले हुए हैं ये लोग, इनका विनियमितीकरण हो, इनको फुल वेतन की व्यवस्था हो, ये जनहित में और शिक्षा हित में उचित रहे। इस दौरान पुरुष अनुदेशक भी पीछे नहीं थे, उन्होंने भी जिम्मेदारों को ज्ञापन सौंप कर अपनी समस्याओं से रूबरू कराया और उनसे उम्मीद लगाई कि आने वाले दिनों में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक उनकी समस्याएं पहुंचाई जाएंगी, जिसका निराकरण भी होगा, क्योंकि CM योगी आदित्यनाथ ने कुछ दिन पहले ये बात कही थी कि प्रदेश के किसी भी व्यक्ति के साथ अन्याय नहीं होगा। ऐसे में अब इन अनुदेशकों की जो उम्मीद है वो और बढ़ गई है। वहीं इस कार्यक्रम में मौजूद कुछ अनुदेशकों ने जब अपने बयान जारी किए तो वो भी सुनने लायक थे, क्योंकि उन्होंने साफ तौर पर बताया कि क्यों इस तरह का कार्यक्रम आयोजित किया गया और कितनी समस्याओं से उन्हें जूझना पड़ रहा है। नमस्ते, मैं वंदना सविता, हरदोई जनपद से। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज रक्षाबंधन का पर्व है और हमारे कई जनपद से, जैसे बांदा, झांसी, बदायूं, कई ऐसे 75 जनपदों से रक्षाबंधन पर्व पे हमारी बहनें बढ़ चढ़ के माननीय सांसद विधायकों को राखी बांध रही हैं, क्योंकि बस सबकी एक ही मांग है, नियुक्तिकरण। और हम भी आदरणीय योगी जी से हाथ जोड़ के विनती करना चाहेंगे कि नई शिक्षा नीति के तहत हम लोगों को भी नियुक्तिकरण का
एक तोहफा दे दीजिए। आप तो रक्षाबंधन में जैसे सबका सब बसों का किराया फ्री करते हैं, बस ऐसे ही हम सब भी आपसे बस यही प्रार्थना करना चाहते हैं कि हम लोगों को सिर्फ नियुक्तिकरण का तोहफा दे दीजिए। 27,555 अनुदेशक परिवार आपका सदा आभारी रहेगा योगी जी। हैप्पी रक्षाबंधन। आप देख रहे थे अनुदेशक न्यूज़। मिलते हैं किसी और अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, सत्यमेव जयते।